हेलो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणवी इंडस्ट्रीज के मशहूर आर्टिस्ट अमित सैनी रोहतकिया के बारे में। तो अगर आप लोग भी अमित सैनी रोहतकिया के बहुत ही बड़े वाले फैंस और काफ़ी लंबे समय से इंतजार करते रहते हैं अमित सैनी रोहतकिया के न्यू सॉन्ग्स का, तो अब आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। आपको बता दूं कि अमित सैनी रोहतकिया का आप लोगों को एक न्यू सॉन्ग बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें अमित सैनी रोहतकिया के सॉन्ग के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दूं कि अमित सैनी रोहतकिया ने अपने न्यू सॉन्ग के पोस्टर को अपने इंस्टाग्राम के हैंडल पर शेयर कर दिया है, जिसको कि आप लोग जाके बहुत ही आसानी से अमित सैनी रोहतकिया के इंस्टाग्राम हैंडल पर देख सकते हैं। आपको बता दूं कि इनके इस सॉन्ग का नाम होने वाला है धारा 302। तो दोस्तों समझ जाओ कि ये सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। आप तो जानते हैं कि अमित सैनी रोहतकिया पाजी बैक टू बैक अपने सॉन्ग्स को लेकर आते रहते हैं और इनके फैंस काफ़ी ज़्यादा इनके सॉन्ग्स को पसंद करते हैं। अगर अमित सैनी रोहतकिया के बारे में बात करें, तो आपको बता दूं कि इससे पहले भी इनका सॉन्ग आया था, वो सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट था। दोस्तों आपको बता दूं कि इनका जो सॉन्ग आया था यो रोहतक से, तो दोस्तों ये इतना ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुआ था सॉन्ग की अभी तक टॉप ट्रेंडिंग में चल रहा है अमित सैनी रोहतकिया का ये सॉन्ग। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें अमित सैनी रोहतकिया के इस सॉन्ग के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दूं कि धारा 302 सॉन्ग में आपको नज़र आने वाले अमित सैनी रोहतकिया पाजी के साथ वैशाली चौधरी। तो दोस्तों समझ जाओ कि फ्यूचरिंग में आप लोगों को काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिलने वाली है, एक्टिंग के साथ भरपूर देखने को मिलने वाला है अमित सैनी पाजी का धारा 302 गाना। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस सॉन्ग के म्यूजिक के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दूं कि अमित सैनी रोहतकिया के इस सॉन्ग के म्यूजिक को किया हुआ डीजे स्काई ने। दोस्तों आप तो जानते हैं कि डीजे स्काई का म्यूजिक काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है और फैंस काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम इस सॉन्ग के लिरिक्स के बारे में बात करें, तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस सॉन्ग के लिरिक्स को लिखा हुआ है साबा बालियाँ वाला ने। दोस्तों आप तो जानते हैं कि इससे पहले भी इनके लिरिक्स काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट रहते हैं, जो कि फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे इनके लिरिक्स को। वहीं दोस्तों अगर हम अमित सैनी रोहतकिया पाजी के इस सॉन्ग के रिलीजिंग डेट के बारे में बात करें, तो दोस्तों आपको बता दूं कि अमित सैनी पाजी रोहतकिया का ये सॉन्ग आपको 13 अक्टूबर 2024 को देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों समझ जाओ कि सॉन्ग में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आपको बता दूं कि जैसे ही अमित सैनी रोहतकिया का ये सॉन्ग आए, आप लोग इनके इस सॉन्ग को, जैसे कि इनके हर एक सॉन्ग को प्यार देते हो, वैसे ही